हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन्स। जैसा कि बारिशों का सीजन शुरू हो चुका है और हमें इस सीजन में कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने का मन करता है, तो मैं आपके लिए ऐसे ही चटपटी और कुरकुरे एक स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको कि आप फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने प्याज के इस तरीके के छल्ले काट लिए हैं। देखिए, इसे इस तरीके से मोटे ही काटिए, हमें पतले नहीं काटना है। एक बॉक्स लेकर मैंने इसके अंदर सभी प्याज के रिंग्स डाल दिए हैं। हमें जितने रिंग्स आसानी से आ सके उतने ही डालने हैं। अब इसमें मैं आधा चम्मच मैदा डाल दूंगी। इस तरीके से ऊपर से हमें मैदा डाल देना है। देखिए, मैंने यहाँ आधा चम्मच मैदा डाला है और इसे हम हिला लेंगे। इस तरीके से हमें इसे हिला लेना है। बॉक्स को हम खोल लेते हैं। देखिए, सभी जो रिंग्स हैं इसमें मैदे की अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, जो कि लगभग 3 चम्मच है, और यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। इसमें हम आधा चम्मच ऑरिगेनो डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और चिली फ्लेक्स डाला है आधा चम्मच। 1/4 चम्मच मैं यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब पानी डालते हुए हम इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। हमें इसका बिल्कुल ही स्मूथ घोल बना के तैयार करना है। इसमें कोई भी गुठलियाँ या लम्ब्स नहीं होने चाहिए। देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए घोल की, इससे ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इस डब्बे के अंदर पर मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं। ब्रेड को पीस कर मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार किए हैं। इसमें मैं आधा चम्मच ऑरिगेनो मिक्स कर दूंगी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि घोल में भी डाला है, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए, हमारा घोल भी तैयार हो गया है, और यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स में भी सभी मसाले मिला लिए हैं। तो एक एक करके प्याज को हम घोल में डिप करेंगे, एक्स्ट्रा बैटर को हम निकाल देंगे, और इसे हमें ब्रेड क्रम्स में डालकर कोट करना है। आप या तो बहुत से रिंग्स को बैटर में डुबोकर ब्रेड क्रम्स में डाल दीजिए, और डब्बे को बंद करके हल्के हाथों से हिला लीजिए, इससे भी अच्छे से कोट हो जाते हैं। या इस तरीके से चम्मच से डालकर भी आप कोट कर सकते हैं। आपको जैसा भी अच्छा लगे आप उस तरीके से इसे कोट कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से हमने सभी रिंग्स को कोट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म होने रख दिया था। इसमें हम सभी रिंग्स को डाल देंगे, एक एक करके डालना है। एक बार तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए, और इसे कुरकुरे होने तक फ्राई होने दीजिए, जब तक कि अच्छे सुनहरे नहीं हो जाते हैं। देखिए, हमारे प्याज के जो रिंग्स हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं, और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, और झटपट बन भी जाते हैं। आप इसको इवनिंग स्नैक्स के तौर पर ज़रूर बनाइएगा। चाय के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यदि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।